हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ साथ बीच बीच में थोड़ी बहुत मस्ती भी करते रहते हैं जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, ताकि आपको बोरिंग क्लास ना लगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कहते हैं सर बहुत बोर करता है मैथ्स, तो कोशिश होती है कि हमारी आप लोग बोर ना हो। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा बहुत खास है, क्योंकि डिटरमिनेंट का वन शॉट इसमें करने वाले हैं। डिटरमिनेंट काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैट्रिसेस का वन शॉट आपने पीछे भी देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, आराम से आप मैट्रिसेस को समझ पाए होंगे। जिसने अगर नहीं देखा मैट्रिसेस का, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मैट्रिसेस देख सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आगे आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप जितने भी वन शॉट अभी तक आपको मिले हैं उन सब का आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से इस लाइन से ये क्लियर हो गया कि अगर भाई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स नंबर ही वो होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिटरमिनेंट हम देखते हैं कि निकालते कैसे, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या क्या होता है, किस किस तरीके से आप डिटरमिनेंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। सॉरी, लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट अभी ऑन करी है। तो डिटरमिनेंट यहाँ पर आप किस किस तरीके से निकाल सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम वन बाय वन ऑर्डर लेते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, मैट्रिक्स में जब साइन हम यूज़ करते हैं, तो अगर कोई मैट्रिक्स आप लिखते हो तो मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिखते हो। अगर हम डिटरमिनेंट लिखते हैं तो डिटरमिनेंट में आपको साइन ऐसे, जैसे मॉडुलस का साइन होता है, इस तरीके से लिखते हैं। ये मॉडुलस नहीं है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है यहाँ पर। तो आपको मान लो एक मैट्रिक्स यहाँ पर दे दी 2, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अब एक ही एलिमेंट है तो इससे तो बस यही नंबर एसोसिएट कर रहा है, तो यानी इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी यही आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। अगर आपके पास 2 बाई 2 ऑर्डर है, आपने लिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो नंबर एसोसिएट कर रहा है उसको हम कैसे निकालते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है दोनों, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 4, फिर -2 इंटू 3, तो आ जाएगा 4 माइनस 6, -2 आ गया। और -2 भी आ सकता है डिटरमिनेंट, फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, डिटरमिनेंट मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको कहीं गलती से कि भाई ये साइन देखो मॉडुलस है तो चलो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा मत करना। उसके बाद जो 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट है वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो एक 3 बाई 3 लेते हैं, 1 2 5 2 1 3 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। अब डिटरमिनेंट इसका फाइंड जब आप करोगे तो देखो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 1 से करता हूँ, मतलब पहली रो से मैं एक्सपेंड करूँ, तो किस तरीके से आएगा, देखो 1 लिया आपने, अब 1 को जब आप छोड़ देंगे तो 1 में जो रो आ रही है उसको छोड़ देंगे और जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, बचा गया आपके पास 1 3 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 6, फिर जब ये वाला एलिमेंट आएगा तो माइनस का साइन आपको लेना है। अब इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास बचा 2 3 1 3, तो 2 3 6 माइनस 3, फिर उसके बाद लास्ट में आ गया यहाँ पर 5, पहले प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, इसको रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 1 1 2, तो 2 2 4 माइनस 1, करना ऐसे ही है जैसे आपने ये वाला किया है, तो 4 माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से 3 2 6, और यहाँ से आ जाएगा 3 5 15, तो 9 आ गया यहाँ से, 15 माइनस 9, आंसर आ गया आपके पास 6। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी रो से करना है, आपको कहीं और से मन कर रहा है भैया तो वहाँ से कर लो। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आपको भाई पहली रो से ही करना ही करना है। अगर मान लो मैं सेकंड रो से ले लेता हूँ, अब सेकंड रो से बस ये ध्यान रखना आपको, जब आप ये 4 एलिमेंट से स्टार्ट करोगे ना तो आपको साइन चेंज कर देना है, साइन इनका माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर माइनस है तो प्लस करना है। तो मान लो मैं सेकंड रो से लेता हूँ, तो पहले ये एलिमेंट लूँगा -2, अब -2 यहाँ पर जो आ रहा है एलिमेंट, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये 2 एलिमेंट बचे आपके पास, तो 2 3 6, 5 2 10, तो 6 माइनस 10, फिर हम 1 लेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, 1 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है,
तो 1, 5, 1, 3, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। फिर लास्ट में क्या एलिमेंट आ रहा है आपके पास, 3, इसका भी साइन आपको चेंज करना है, तो ये आ गया -3। अब इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1, 2, 1, 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ गया -4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +8 आ गया, इधर से -2 आ गया, उधर से 0 आ गया, तो आंसर आ गया 6। तो आंसर आप कहीं से भी निकालो, डिटरमिनेंट आप कहीं से भी निकालो, आंसर आपका यही आएगा, सेम ही रहेगा। इसका फ़ायदा कब होता है, हमें कब ये चूज़ करना चाहिए कि हम कहाँ से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, जब आपको इसमें ज़ीरोज़ दे रखे हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास ये है 1, 2, 5, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, अब यहाँ से अगर मैं इसको फर्स्ट रो से निकालता हूँ तो फिर मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सेकेंड रो से निकालूँ तो यहाँ पर ये मेरे को ज़ीरो लूँगा, ये ज़ीरो यहाँ बाहर आएगा, इसके अंदर कुछ भी आएगा तो क्या होगा, आंसर तो ज़ीरो ही रहेगा ना। तो आपको इससे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वन से कैलकुलेट करना है। -1 हुआ, प्लेस का ध्यान रखना, ये 4 प्लेस नेगेटिव ही रखने, 1 से गिरा आपने, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से 2 माइनस 4, -2 आ गया, -2 को -1 से करोगे +2, इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो इस तरह जहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले भाई डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, तो वहाँ पर अगर आपको दिखता है कि अगर ज़ीरोज़ दे रखे हैं, जहाँ पर एक ज़ीरो दिया हुआ उसको ले लो, अगर 2 ज़ीरोज़ दिए हुए तो उसको ले लो, थोड़ा सा काम हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आपने निकालना सीख लिया। डिटरमिनेंट निकालने के बाद अब हम बात करते हैं इसके भाई माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में, कि माइनस क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अभी जो आपने यहाँ पर 3x3 मान लो ये मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, इसे सीखते हैं भाई इसके माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। 2x2 1x1 का तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, छोड़ दो उसे। तो देखो 2x2 में जब आप माइनर निकालोगे, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स में ये वाला डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, इसका मुझे माइनर निकालना है। अब माइनर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे M11 से, M12 से, M21 से और M22 से, इससे डिनोट करेंगे। M11 का मतलब हो गया भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना है। उसको डिलीट करने का मतलब है सिर्फ जो बचा 4, बस आपको यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें आ जाएगा 3, यहाँ पर इधर 3 कर देंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया, यहाँ पर 2 कर दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास बच गया 1, ये 1 आ गया। इनको क्या बोलते हैं, माइनर। नॉर्मली इनको M से डिनोट करते हैं। इसी की हेल्प से हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे या तो कैपिटल C से या कैपिटल A से, किसी से भी डिनोट कर लेना। तो ये इसका कोफैक्टर आएगा, ये इसका कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर और कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर जब आप निकालोगे तो जो माइनर आते हैं ना आपके, वही वैल्यू आती है, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये दो एलिमेंट है, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। पता कैसे चलेगा आपको किसको माइनस करना है, भाई यहाँ देख लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों का सम ऑड है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इन दोनों का सम भी ऑड है, तो जिसका सम ऑड हो उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, जिसका सम ऑड हो उसका साइन चेंज करना है, किसी और का साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 3x3 पे आ जाओ, 3x3 का कोफैक्टर निकालते हैं, यही वाला ले लेते हैं। तो जब आप इसका माइनर निकालोगे 3x3 का, तो माइनर हमने निकाला, इसको छोड़ा हमने, इसको छोड़ा, मतलब इस रो को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को डिलीट कर दिया, बच गया यहाँ से 3 और -6। ठीक है, क्या गया, -3। ठीक है जी, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा हमने, 6 माइनस 3 3 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा, 4 माइनस 1 3 आ गया। ठीक है ना, अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 10 माइनस 4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2, ये हो गया 0 जी। अब थर्ड रो को निकाल लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालोगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
सिक्स माइनस फाइव वन आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम याद रहेगा थ्री माइनस टेन माइनस सेवन, और थर्ड रो थर्ड कॉलम वन माइनस फोर माइनस वन, ये तो आ गए इसके माइनर। अगर कोफैक्टर निकालने होंगे तो क्या करेंगे, तो जैसा भी अभी हमने समझा कोफैक्टर में इसकी वैल्यू पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किसका पड़ेगा, बस इसके साइन का पड़ेगा, वो भी कहाँ कहाँ पड़ेगा साइन पर, इसका सम ऑड है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जो डिटरमिनेंट में हम ध्यान रखते हैं ये चार टर्म, वही चार टर्म आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है, इनके साइन नेगेटिव करने हैं। कोई मुश्किल तो नहीं याद रखना, वैल्यू क्या है यहाँ, माइनस थ्री थ्री थ्री, माइनस थ्री ये आ जाएगा माइनस थ्री और थ्री, फिर क्या माइनस फोर का हो जाएगा प्लस फोर, माइनस टू जीरो का तो कुछ भी कर लो भाई, जीरो तो जीरो ही रहता है, वन इसका हो जाएगा प्लस सेवन, और लास्ट में आ गया माइनस वन। ये तो बन गया इसके कोफैक्टर। तो माइनर निकालने सीख लिए हमने, कोफैक्टर निकालने सीख लिए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, सर प्रॉपर्टीज़ हम करें या नहीं करें, तो भाई प्रॉपर्टीज़ तो देखो आपको करनी है, प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है। प्रॉपर्टीज़ वाले जो क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना होता है वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज जितनी ज़्यादा याद रखोगे उतना आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट आपको निकालना है, वो तो आप निकालना सीख ही चुके, कई बार क्वेश्चन आता है उसमें एक्स की वैल्यू निकालने वाला, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मान लो ये कहता है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एक्स 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट दे दिया 3 1 2 4, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट बराबर है। अब यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, आप लोग मत करना, ठीक है, आप लोग थोड़े समझदार हो तो आप लोग मत करना। ये वाला एलिमेंट जैसे मैट्रिक्स में होता है, अगर ये दो मैट्रिक्स होती, सपोज़ यहाँ दो मैट्रिक्स होती इस तरीके से, अगर मैट्रिक्स होती तो पहली बात तो ये होता कि इसके जो बाकी के एलिमेंट हैं ना ये सारे ऐसे ही होते। यहाँ पर मान लो आपने कुछ भी लिख दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू फाइव आ गई, अगर मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं है, साइन देखना, ये जो ब्रैकेट बंद हो गई है तो भाई ये मैट्रिक्स है, वो सीधे डंडे हैं, तो इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट है। तो इसका ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट एक नंबर है, अलग अलग कुछ नहीं है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर पूरा एक नंबर बनेगा। तो नंबर कैसे बनेगा भाई, सिक्स माइनस एक्स, यहाँ से क्या बनेगा, 12 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, इसको इधर ले जाओ 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है अगर एक्स की वैल्यू निकालने वाला, तो आपको इस तरीके से निकालना है। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में क्या कहता है, जो फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि भाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, मान लो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका ज़ीरो ही आना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑन द वन साइड ऑफ ए प्रिंसिपल डायगनल ऑफ ए डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल एलिमेंट। बड़ी काम की प्रॉपर्टी है भाई, जो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अगर उसमें क्या होता है, ये डायगनल एलिमेंट हो गए, इसके एक साइड के एलिमेंट सारे ज़ीरो होते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी हो, इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो डायगनल वाले एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पर जीरो होते तो भी ऐसे ही करेंगे, मतलब डायगनल वाले एलिमेंट है बस उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करते आपको उसका डिटरमिनेंट निकाल जाएगा, कुछ सॉल्व वॉल्व कुछ करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगली प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो किसी भी मैट्रिक्स का या फिर उसके ट्रांसपोज का, तो ये बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली, इसका डिटरमिनेंट ये है 24 आ गया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी कर देता हूँ ना, तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट उतने का उतना ही रहेगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमाइन आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन चेंजेस बाय माइनस साइन। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट में मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपने सॉल्व किया, इसका आपके पास आंसर आ गया। डिटरमिनेंट कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मान लेते कुछ भी आंसर आ गया। अब मैं इसकी किसी रो या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि भाई रो वन को मेरे को रो टू से एक्सचेंज करना है, रो वन को रो टू से एक्सचेंज करना है, तो 4, 5, 6 को तो ऊपर ले गए और 1, 2, 3 इधर आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसका डिटरमिनेंट आया था बस आपको इसका साइन नेगेटिव कर देना है। यहाँ पर अगर +10 आया था आंसर तो इसका आंसर -10 आ जाएगा। सेम चीज़ जो होगी वो कॉलम में भी लगेगी। अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ तो वो सेम जो एप्लीकेशन है वो कॉलम में भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहता है, अगर दो एलिमेंट किसी भी डिटरमिनेंट में, मान लो ये कहता है कि भाई यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर आप कुछ भी रख लो पी क्यू आर, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। मतलब यहाँ पर रो वन की जो एलिमेंट है ना और रो टू के एलिमेंट ये आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो डिटरमिनेंट आपको हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। अगर ऐसा इसमें हो, अगर ऐसा इसमें हो मान लो यहाँ ए बी सी है लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तीनों के तीनों ये, तो भी डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर उसका 0 का 0 ही आना है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी बनी, अगर ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल हैं किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के, या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेशो बराबर है तो भी उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज बड़े काम के, जितनी ज़्यादा याद रखोगे उतना अच्छे से काम करोगे, क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि भाई यहाँ पर ए है बी है सी है, इसके साथ में अल्फा बीटा गामा कुछ भी ऐड हो रखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ ले लेते हैं पी क्यू आर, तो इसको आप दो अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो ए बी सी। नीचे वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, एक बार में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही तोड़ सकते हो, ठीक है, सबको नहीं करना। प्लस अब क्या रहेगा यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो डिटरमिनेंट था इसको आपने दो अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम डिटरमिनेंट बी एडिड द इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब अगर आपके पास कोई यहाँ पर डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू मान लो आपके पास ये आ गई, अब मैं किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ और मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर दूँ, मान लो मैं कहूँ कि रो वन की जगह मैं कर रहा हूँ रो वन प्लस में 2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है, 2 की जगह कुछ भी आप रख सकते हो, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, तो इसको मैं इसके डबल से मल्टी प्लस करूँगा, एक्स प्लस में 2p, वाई प्लस में 2q, जेड प्लस में 2r, तो भी जो इसका डिटरमिनेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट इसका जैसे पहले था वैसे का वैसा ही डिटरमिनेंट इसका रहेगा। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर हम उसके एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे भी कोफैक्टर हमने निकालने सीखे, अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ a11, मतलब मैं पहली रो के एलिमेंट ले लूँ a11 a12 a13, इन एलिमेंट्स को मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ यानी c11 c12 c13, तो जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने एलिमेंट तो ले लिए रो के, रो वन के, और कोफैक्टर ले लिया आपने सेकंड रो के,
तो आंसर आपका हमेशा जीरो आएगा। बहुत काम की प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इसके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, बड़े काम की प्रॉपर्टी है, आपको फटाफट आंसर निकल जाएगा अगर आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, ये जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा, और अगर आप जो एलिमेंट ले रहे हो उसको किसी दूसरी रो के साथ या दूसरे कॉलम के साथ उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ज़ीरो हो जाएगा, नंबर ज़ीरो नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद और हम क्या क्या पढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिटरमिनेंट में क्या क्या और चीज़ें दी हुई हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से आपके पास ये बनती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो इसका फार्मूला होता है k रेज टू पावर n, n का मतलब यहाँ पर ऑर्डर, अगर ऑर्डर यहाँ पर n बाई n है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट तो तभी निकलेगा, तो उसका जो भी ऑर्डर होगा यहाँ पावर में आ जाएगा इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, उसके अलावा अगर कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं से दो मैट्रिक्स हैं जिसको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालना है, अगर आपके पास ए का डिटरमिनेंट है बी का डिटरमिनेंट है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसी प्रॉपर्टी से आपकी कुछ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और बनती है, अगर हम करते हैं भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, तो इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। कैसे, जैसे यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अगर आपके पास मान लो ए की ए चार बार दे रखा हो, ए की पावर फोर है, सपोज आपको कहता है कि भाई ए की पावर फोर है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, ए की पावर फोर का मतलब ए जो है चार बार दे रखा है आपको, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो सबको अलग अलग कर देंगे, सब क्या बन जाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितनी बार होगी पावर उसकी, चार बार होगी, पाँच बार है तो पाँच बार हो जाएगी, तो ये फार्मूला आपका एक बन जाता है। तो डिटरमिनेंट के ये सारे फार्मूलेज आपको अच्छी तरह से याद कर लेने। अब बात करते हैं हम एडजॉइंट की, कि व्हाट इज़ एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है आपको, वो प्रॉपर्टीज सारी पढ़ते हैं। जो हम कोफैक्टर निकालते हैं उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज तो निकालना आपको आता ही है, तो आप जो भी कोफैक्टर निकाला है उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ट्रांसपोज करने पर आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं भाई ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है उसका अगर आपको ट्रांसपोज एडजॉइंट फाइंड करना है तो वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की 1 2 3 4, तो 2x2 में क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट है ना इन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है, और बाकी के जो दो एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज करना है, और ये जो दो एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास इनका करना है आपको साइन चेंज। तो एडजॉइंट आपको 2x2 का तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 1 को एक्सचेंज करना है तो 4 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 2 का और 3 का साइन चेंज कर देंगे, ये इसका एडजॉइंट बन गया। लेकिन 3x3 का एडजॉइंट निकालने के लिए भैया उसके लिए कोई डायरेक्ट ऐसा तरीका नहीं है, तो उसके लिए तो आपको कोफैक्टर सारे निकालने पड़ेंगे, और जो कोफैक्टर आप निकालोगे 3x3 में एडजॉइंट क्या बनेगा, जैसे अभी कोफैक्टर अभी निकालना हमने सीखा है कि हम कॉलम 1 का कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं, कॉलम 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 ऐसे निकालते हैं, उसको आपको कॉलम में लिख देना है। ठीक है, ये कोफैक्टर पहली रो के तीनों, इसको तीनों को कॉलम में लिख दो, तो यहाँ से जो भी टर्म आएगी आपके पास वो क्या बन जाएगी, आपकी एडजॉइंट बन जाएगी, यानी जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं उसका बस आपने ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर, तो ये जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका 3x3 मैट्रिक्स में उसका डायरेक्टली एडजॉइंट आप ऐसे बना सकते हो। 2x2 का अगर है तो कुछ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसी से आप सीधा एडजॉइंट इसका फाइंड कर सकते हो। अब एडजॉइंट की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद रख लेनी है, ये MCQs में बड़े काम आएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी का एडजॉइंट निकालते हो तो सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, दोनों का अलग अलग आप एडजॉइंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करोगे, बात वही आनी है, सेम रिजल्ट आपका आना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा। ठीक है, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप ट्रांसपोज करते हो
एडजॉइंट ऑफ ए का आपको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने की बजाय आप पहले अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हो उसके बाद फिर आप उसका एडजॉइंट निकालते हो तो भी दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर जो आपके पास एडजॉइंट आएगा फिर दोबारा से उसका एडजॉइंट निकालोगे, तो ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू में ए। एन का मतलब यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा, 3/3 है तो यहाँ पर 3-2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन आएगा। फिफ्थ हो गई, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। तो ये डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी जो यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 3/3 लेनी है, अगर यहाँ 2/2 है तो आइडेंटिटी भी आपको 2/2 लेनी है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखते हो ए को बाद में लिखते हो, तो भी इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करो, एडजॉइंट ऑफ ए भी है यहाँ पर तो बी पहले आ गया, ए बाद में आया, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए पहले आ गया और ए बाद में आ गया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर ना आए तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। जो मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, तो इन्वर्स के बारे में कभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालते हो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका जो इन्वर्स है वो आप फाइंड कर सकते हो। अब इन्वर्स अगर फाइंड कर सकते हैं तो इन्वर्स होता क्या है, फार्मूला क्या होता है? इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला आपका बनेगा इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो, ए बी को मल्टीप्लाई करते हो, ये आई के बराबर आता है, या बी ए को मल्टीप्लाई करते हो आई के बराबर रहेगा, तो इसमें आप कह सकते हो देयरफॉर बी इज इनवर्स ऑफ ए और वाइस वर्सा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। जैसे भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, every invertible matrix has unique inverse। मतलब जितने भी invertible matrix होती है उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा उसके inverse आप नहीं find कर सकते, सिर्फ एक ही आप उसका inverse find कर सकते हो। अगर आप inverse का inverse कर देते हो, inverse का फिर दोबारा से inverse कर देते हो, तो ये वापस जो original matrix है उसके बराबर आ जाएगा। अगर हम ए बी का इन्वर्स फाइंड कर दें तो ये बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, इसमें भी बी पहले आ जाएगा और ए इन्वर्स बाद में आ जाएगा। अगर आप ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हो, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हो, तो आप इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दोगे
तो भी दोनों का रिजल्ट एक जैसा ही रहेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये बराबर होता है 1/ में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसके बाद बच्चों डिटरमिनेंट में आपको सॉल्यूशन करना होगा लीनियर इक्वेशंस का यूजिंग। आपके पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है उसमें हम बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एक मैट्रिक्स मेथड है आपके पास, एक क्रैमर रूल है और एक रो रिडक्शन मेथड है। ये तीनों मेथड आपके सिलेबस में है। तो जिस मेथड से आपसे बोला जाएगा वैसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन भाई इन एमसीक्यू है तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन तो फिर भी उसका वही निकल रहा है। अब ये मेथड ना भी लगा हो, डायरेक्टली जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन तो तब भी वही निकलना है क्योंकि एमसीक्यूज है। लेकिन इसकी जो कंडीशंस है वो आपको ध्यान रखनी है, जो कंडीशंस है वो, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार कंडीशंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सॉल्यूशन तो आप जैसे भी मर्जी कर दोगे, चाहे आपको तीन लीनियर इक्वेशन दे दे या दो इक्वेशन दे दे, चाहे आप इस मेथड से कर दो, चाहे इससे कर दो, चाहे इससे कर दो, सॉल्यूशन तो वही निकलना है। या फिर सॉल्यूशन दे रखा है तो इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्यूशन आपका उससे भी निकल जाएगा। उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में आपको क्या होगा, जो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी दो, उस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मेट में ax इक्वल्स टू बी। अब यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो a को आप इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a इनवर्स b। तो जो a मैट्रिक्स आपके पास होगी उसका इनवर्स हम फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के बाद उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो कंडीशंस है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होता है, देन सॉल्यूशन इज़ कंसिस्टेंट, यानी आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब कंडीशन जो होती है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो यहाँ पर आपके पास दो केस अराइज होते हैं। उस आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ बी अगर आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, अगर ये आपने निकाला और ये भी आपका जीरो आ गया, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे आपके वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट तो वो होगा। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहां पर भी सिस्टम तो आपका कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है। देन यहाँ पर सॉल्यूशन या सिस्टम लिखो, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की उसमें एक वैल्यू आएगी, इसमें बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन आती है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आया और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी आपने निकाला, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो इस केस में आप कह सकते हो कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन या पूछेगी तो आप किसी भी मेथड से निकालो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको इसी मेथड की ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो बता सकते हो। क्वेश्चन भी हम इसका समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, अगर कहीं करने को भी आ जाए तो आपको करना कैसे है, तो इसमें एक पहले 2x2 आप मैट्रिक्स लो। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ली 5x-7y = 2, 7x-5y = 3। तो इसको हमें सॉल्यूशन करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अभी हम मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं, इनको अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स आप बनाओगे, ए मैट्रिक्स आपकी बनेगी 5-7, 7-5। जो एक्स मैट्रिक्स है आपकी वो क्या बनेगी, यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं उसको आपको ऐसे कॉलम में लिखना है और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा आपका बी। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करोगे इसका, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया तो फिर आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो -5 -25 +49, यानी 24 आ गया,
डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो उसके हिसाब से फिर आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्स निकालना है। भाई इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, तो आपको इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। एडजॉइंट हम इसका फाइंड करेंगे, टू बाई टू का हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे ऐसे, ये इधर चला जाएगा और सॉरी इसका साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, इंटरचेंज सिर्फ इनको करना है, इनके साइन चेंज करना है। ये एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आपके पास ये है ही। अब आप यहाँ से इसको यूज़ करोगे कि भाई एक्स की वैल्यू है वो ए इनवर्स इंटू में बी होगी, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये हो गई माइनस फाइव सेवन, माइनस सेवन इंटू में फाइव और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से भी दो डिवाइड करना है। इसका फार्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट कितना आया था इसका 24, इसको 24 से डिवाइड करना है, तो उस 24 को आप यहाँ पर मेंशन कर दो इनटू में बी, बी की वैल्यू आ गई 23। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 11 और 1, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 1 आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह आता ही होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 11/24 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/24। सेम इसी तरीके से जो 3x3 मैट्रिक्स है उसको भी ऐसे ही प्रोसीड करना है सॉल्व करने के लिए। बाकी और डिटेल में इसको समझना है, इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कैसे कैसे लिखना होता है, अगर ये सब चीज़ आप समझना चाहते हो तो उसके लिए जो इसका प्रॉपर वीडियो है डिटरमिनेंट का, उसमें आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रैमर रूल की, क्रैमर रूल में आपके पास क्या क्या कंडीशंस दी होती हैं। तो क्रैमर रूल में भी आपके पास मान लो इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस अगर होगी तो आप वहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो आप कैसे निकालते हो। एक्स की वैल्यू का जहाँ पर फार्मूला होता है, क्रैमर रूल की बात कर रहे हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर d1/d और y की वैल्यू होती है d2/d और z की वैल्यू होती है d3/d। अब ये d क्या होता है और ये d1, d2, d3 क्या होता है, ये सब समझने के लिए हम एक 3x3 का क्वेश्चन समझ लेते हैं, उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के बाद फिर इसकी जो कंडीशंस जो आपको यूज़ करनी है उन कंडीशंस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि कंडीशंस क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3x3 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन है 6x + y-3z = 5, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन है x + 3y-2z = 5 और थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2x + y + 4z = 8। ये तीन इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखो d निकालना है। d कैसे निकलता है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर टर्म है 6, 1, -3 6, 1, -3 1, 3, -2 2, 1, 4, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैं भी डिटरमिनेंट इसका आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना आता ही है, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 91, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो आया मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो कंडीशन के बारे में बाद में बात करते हैं। अब आप d1 निकालोगे तो d1 क्या होगा, जो आपके पास यहाँ कांस्टेंट टर्म थी इसको आपको पहले कॉलम की जगह रिप्लेस करना है 5, 5, 8, पहले कॉलम की जगह इसको लिखना है जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी, बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आप रखोगे 1, 3, 1 -3, -2 and 4। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहा है 91, ये d1 आ गया। अब ऐसे आप d2 निकालो, d2 का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म थी इसको आप को रखना है सेकंड कॉलम की जगह, तो फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा 5, 5, 8 -3, -2 and 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे d2 को, तो d2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 182। फिर उसके बाद d3 निकालेंगे, तो यहाँ पर अब पहला कॉलम एज इट इज रखना है जैसा d में था, लास्ट वाले कॉलम की जगह आपको यहाँ रखना है 5, 5, 8। इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट आता है हमारे पास 91।
तो अब क्रैमर रूल की हेल्प से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, डी वन अपॉन डी, डी वन कितना है 91, डी भी 91 है तो 1 आ जाएगी। y की वैल्यू डी टू अपॉन डी टू कितना है 182 डिवाइडेड बाई 91, 2 आ गया। z की वैल्यू फिर 91 अपॉन 91, ये 1 आ गया। तो इस तरह से तो इसमें आप वैल्यू निकालते हैं, चाहे आप अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स हो यानी दो इक्वेशन दे रखी हो तो ये दोनों यूज़ करना है, तीन होंगी तो ये यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो इसकी कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर देखो आपके पास अगर इक्वेशन दे रखी हो होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस, ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर जो राइट हैंड साइड के अंदर जो टर्म्स है, होमोजेनियस में क्या होता है जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स जो होती है वो सारी जीरो की जीरो होंगी, ठीक है। तो मान लो ये हम a1x b1y c1z इक्वल्स टू जीरो, a2x b2y c2z इक्वल्स टू जीरो, a3x b3y c3z इक्वल्स टू जीरो। ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों तरीके से हम समझ लेते हैं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होती है आपके पास और अगर आप इसमें d निकालते हो और d आपका आ जाता है इसमें ज़ीरो, ठीक है, आपने d निकाला और d की वैल्यू आ गई मान लो नॉट इक्वल्स टू अगर ज़ीरो आई तो सीधी सी बात है भाई इसके आप सॉल्यूशन निकाल सकते। अब लेकिन इसके सॉल्यूशन हम निकाल तो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन होंगे क्या, तो उस समय इसके जो सॉल्यूशन होंगे ट्राइवियल सॉल्यूशंस होंगे। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब कि आप यहाँ से x, y और z तीनों की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी अगर d नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया तो। अगर d ज़ीरो आ गया, होमोजेनियस इक्वेशन है और अगर d ज़ीरो आ गया तो उस केस में क्या होगा, इट हैज़ इनफेनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे, यानी दोनों केस में एक चीज़ हमें क्लियर पता चली भाई ये भी कंसिस्टेंट है ये भी कंसिस्टेंट है। अगर सिर्फ कंसिस्टेंट पूछता है तो दोनों हमारे पास कंसिस्टेंट होंगे, ये कंसिस्टेंट वो खाली बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोल देते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम को। और इसमें पूछेगा तो खाली आप कंसिस्टेंट लिखेंगे, ये केस हो गया किसका, होमोजेनियस का। अगर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है जो कि आपके ज़्यादा चांसेस है आने के, नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, नॉन होमोजेनियस इसके अंदर जो यहाँ राइट हैंड साइड है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, सारी ज़ीरो नहीं होंगी, एक ज़ीरो हो सकती है दो ज़ीरो हो सकती है लेकिन सारी ज़ीरो नहीं होंगी। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन आपकी बनेंगी, अगर यहाँ पर आप डी निकालते हो, अगर आप डी निकालते हो और डी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम जो है हुआ वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप डी निकालते हो और डी आ जाए आपका ज़ीरो और D0 आने के बाद फिर D1, D2, D3 इन दोनों में से कोई एक अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम फ्रॉम D1, D2 और D3 इज नॉन ज़ीरो। D आपने निकाला, D0 आ गया, आपने D1, D2, D3 देखा, इसमें से कोई एक भी अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो उस केस में जो सिस्टम होगा आपका वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर तीसरा केस बना कि भाई D आपका ज़ीरो आ गया और D1, D2, D3 ये सब भी ज़ीरो आ गए तो उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट डिपेंडेंट एंड हैज
इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ रो रिडक्शन मेथड है, इसकी जो कंडीशंस है उन कंडीशंस के बारे में आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो मेथड है वो तो देखो आपको करने की ज़रूरत है भी नहीं। सॉल्व अगर करना पड़ा तो सॉल्व करने के लिए तो आप किसी भी मेथड से कर लो। आपको यहाँ पर जो कंडीशंस है उनको समझ लेना है, कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ़ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नॉन जीरो रो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल उसके अंदर है उतनी ही अगर नॉन जीरो रो हैं रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद अगर उतनी ही रो आपके पास आती हैं तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कि मान लो आपने यहाँ पर रिड्यूस करा, रिड्यूस करने के बाद सपोज़ आपके पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स आ गई कि यहाँ पर मान लो ये कहता है कि 100 010 001, मान लो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि सारे यहाँ पर जीरो नहीं है। जब तक सारे जीरो नहीं होंगे नॉन जीरो रो रहेगी। अब यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रो आई आपके पास, 3, और जो इधर वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स भी आपके पास मान लो 3 हो, इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल हैं, 3 नॉन जीरो रो आ गई, तो इसका मतलब ये पहले वाला केस बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन है और सिस्टम इसका कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले केस की बात करें कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इट हैज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर जितनी भी रो बन रही है नॉन जीरो रो अगर उससे कम आ गई, मतलब मान लो यहाँ पर 3 वेरिएबल थे और आपके पास जो नॉन जीरो रो हैं वो 2 आ गई, तो उस केस में आपके पास फिर दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया कि मैट्रिक्स आपने रिड्यूस करी, रिड्यूस करने के बाद कह रहा मैट्रिक्स आपके पास है 1 -2 1, फिर है 0 1 1 0 0 0, और इधर जो आपके पास वेरिएबल आ रहे वो 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर मान लो कुछ भी वैल्यू आ रही, मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी, तो क्योंकि 3 वेरिएबल हैं लेकिन जो नॉन जीरो रो है आपके पास 1 और 1 2 नॉन जीरो रो हैं, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब ये चेक करने के लिए आपके पास दो और केस बनेंगे। अब पहले वाला केस में क्या करा है, देर इज़ जीरो ऑन द RHS ऑफ रिड्यूस मैट्रिक्स अगेंस्ट जीरो रो, जो जीरो रो आपकी आई है उसके अगेंस्ट अगर आपके पास यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, ये जीरो रो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो एक सिस्टम जो है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसा इस केस में नहीं हो रहा, जीरो रो के अगेंस्ट क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ये वाला केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है देर इज नॉन जीरो रियल नंबर ऑन RHS ऑफ रिड्यूस मैट्रिक्स अगेंस्ट जीरो रो, तो जीरो रो के सामने यहाँ पर नॉन जीरो नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसमें जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो अगर कंडीशंस आती हैं रो रिडक्शन मेथड की तो आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लिएंटोफ इनपुट आउटपुट मॉडल की। तो इस मॉडल के अंदर बच्चों बेसिकली दो मॉडल यहाँ पर काम करते हैं, ओपन मॉडल एंड क्लोज मॉडल। तो हमारे सिलेबस में तो क्लोज मॉडल है तो हम उसी की बात करेंगे, हम ओपन पे अभी नहीं जा रहे। अब क्लोज मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पर कहते हैं मान लो कि दो आपके पास इंडस्ट्रीज है, दो इंडस्ट्रीज इधर ले रहे, दो इंडस्ट्री इधर ले लो, इधर क्या है हमारे पास आउटपुट है और इधर इनपुट है, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री वन है यहाँ से जो भी इनपुट होता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री वन भी यूज़ करती है और इंडस्ट्री टू भी यूज़ करती है, इतनी क्वांटिटी ये यूज़ कर रही है, इतनी क्वांटिटी ये यूज़ कर रही है। उसके बाद एक फाइनल डिमांड होती है, फाइनल डिमांड मतलब जब इससे मॉडल से आप बाहर निकलते हो, इंडस्ट्री से बाहर निकलते हो, जैसे आप कंज्यूमर को कुछ सप्लाई कर रहे हो तो वो फाइनल डिमांड हो गई, और ये सारा मिलाकर जो टोटल आउटपुट जितना वो कंपनी बना रही है वो आपके पास आ गया X1। सेम ऐसी जो इंडस्ट्री टू है उसका जो टोटल आउटपुट आपके पास आ गया X2। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स किस लिए हम बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स इसको हम डिनोट करेंगे A से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे इसको अगर इंडस्ट्री वन है इसको इतनी यूनिट बनानी है तो इसके लिए टोटल आउटपुट इतना होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री वन इतना बना रही है टोटल आउटपुट X1 है, इंडस्ट्री टू इतना बना रही है टोटल आउटपुट, इंडस्ट्री वन का जो टोटल आउटपुट है वो तो यही है। तो जब आप यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे कि एक यूनिट बनाने के लिए उसको कितना आउटपुट चाहिए, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो ए की वैल्यू जो हम निकालेंगे इसमें
आपको जो एक्स वन वन है उसको डिवाइड करना है एक्स वन से, ठीक है, एक्स वन वन को एक्स वन से डिवाइड करना है, एक्स टू वन को भी एक्स वन से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे टेबल में दिया होता है तो इस तरीके से आप बनाओगे, और एक्स वन टू को डिवाइड करना है एक्स टू से, और एक्स टू टू को डिवाइड करना है एक्स टू से। टेबल में दिया हुआ है तो इस तरीके से बनाओगे, या हो सकता है स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली ही टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ही दी होती है ज़्यादातर, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो। ये आपके पास बन गई आपकी ए मैट्रिक्स जो बन गई हमारे पास, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, ठीक है। अब आपके पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आ गई। अब ये कहता है कि मान लो, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या सीन हो रहा था कि जो इंटरनल कंजप्शन है और फाइनल डिमांड है वो मिलाकर क्या बन रहा था, टोटल आउटपुट बन रहा था, इंटरनल कंजप्शन प्लस फाइनल डिमांड इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, ऐसे हो रहा था। इंटरनल कंजप्शन में दोनों इंडस्ट्रीज का ले लिया हमने, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। अभी कहता है कि मान लो आपकी जो फाइनल डिमांड है वो चेंज होती है, यहाँ से जो फाइनल डिमांड है इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसकी वैल्यू जब चेंज होती है तो उसको मान लेते हैं कि भाई डिमांड आपकी चेंज हो गई, इसको डिनोट कर लिया हमने वाई वन वाई टू से। अब ये अगर चेंज होगी आपकी, सॉरी डिमांड को आप डी से डिनोट करो, अगर ये चेंज होगी तो जो टोटल आउटपुट है वो भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने ये चेंज करा इसमें तो ये तो चेंज हो गई होगा, ये चेंज करके आपके पास बन जाता है, इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, इसको डिनोट कर लेंगे वाई वन वाई टू से, क्योंकि एक्स वन एक्स टू तो यहाँ पर आ गए। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन बनता है कि अगर जब हम ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके उसमें डिमांड यहाँ पर प्लस करते हैं तो हमारे पास फाइनल डिमांड बन जाती है, टोटल आउटपुट बन जाता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स से प्लस उसमें जो फाइनल डिमांड है वो ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल आउटपुट बन जाएगा, जो नया आएगा वो टोटल आउटपुट आपके आवास यहाँ से बन जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, इसको ए एक्स को उधर लेके जाओगे ऐसे, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स, फिर यहाँ से जो इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे एक्स, ठीक है, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ इसके साथ में कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, तो आई माइनस ए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी i माइनस ए का इनवर्स इनटू में d। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है, x की वैल्यू निकालने के लिए i माइनस ए इनवर्स निकालेंगे और इनटू में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल आउटपुट आया था, जो नया वाला आया था, जो डिमांड चेंज होने के बाद आया था, उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल जाएगी। अब इसमें ये जो मैट्रिक्स आती है आपके पास आई माइनस ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम लियंटॉफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इज कॉल्ड लियंटॉफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स बना दी आपने, इसको सॉल्व कर दिया, इनवर्स आपको निकालना आता ही है, इनवर्स निकाल के उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है, हॉकिंस साइमन कंडीशन, यहाँ पर इस पूछता है कि भाई ये सिस्टम जो है वो वायबल है या नहीं है, या उसका जो सॉल्यूशन है वो होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो हॉकिंस साइमन कंडीशन है ये आपको बतानी होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो आई माइनस ए आता है आपका, दो चीज़ देखेंगे इसमें, जो आई माइनस ए है इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। आई माइनस ए का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, जो डायगनल एलिमेंट है, ये दोनों जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट हमेशा आपके पॉजिटिव रहने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर हम वन में से इसको माइनस करें और वन में से ही इसको माइनस करें तो इसकी जो वैल्यू है दोनों की ये ग्रेटर देन जीरो रहनी चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि इनकी अगर वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। वन से छोटी होंगी तभी तो आप वन में से माइनस करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, अगर ये वन से बड़ी हो गई तो आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हॉकिंस कंडीशन के लिए दो चीज़ आपको चेक कर लेनी है, अगर ये दो चीज़ सेटिस्फाई होती हैं तो आपका जो सिस्टम है वो वायबल है।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिस्टम वाइबल है या नहीं है, या फिर हॉकिंस साइमन कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें हॉकिंस साइमन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर ये सारा कुछ लिंट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल यही है। सबसे पहला काम आपको टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी है, वो मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको यहाँ फाइनल डिमांड देखना है कि उस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वो चेंज हो रहा है तो टोटल आउटपुट भी चेंज होगा, टोटल आउटपुट चेंज होगा तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको वर्किंग बताई है, अब ये फार्मूला याद रखो, फार्मूला सीधा आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपका ये निकल जाएगा। तो डिटरमिनेंट में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है, बीच में एक टॉपिक मिस हो गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जो पहले हमारे पास सिलेबस था उसमें भी मेंशन नहीं था, जो बाद में सिलेबस आया उसमें भी मेंशन नहीं था, तो उसको हम कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, सिंपल टॉपिक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई तीन पॉइंट दे देंगे जिससे एक ट्राइंगल बनेगा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गए और एक ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ से जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो आपका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ऑफ ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, और यहाँ पर आप लगाओगे हमेशा वन वन वन, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके पास, क्योंकि डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है तो इसकी वजह से इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव जो साइन आ रहा है उस साइन को आप नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, नेगेटिव साइन कैन बी नेगलेक्टेड। तीसरी चीज यहां पर क्या होती है कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो और वो जीरो आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ये आपको कोलिनियर दे रखा होगा, उससे आपको जी बीच में कोई वेरिएबल आएगा उसकी के वे की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर एरिया दे रखा होगा और आपको इसमें कोई भी ऐसी टर्म होगी मिसिंग टर्म जिससे आप उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्पेशली आपको बता दूँ कि जब आपको एरिया दिया हुआ होता है क्वेश्चन में तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अभी कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसिस x4 2 माइनस सिक्स एंड 5 4, ये आपके पास वर्टेक्स है, एरिया आपको दे रखा है इसमें 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया आप निकालोगे हाफ ऑफ x4 2 माइनस सिक्स 5 4 1 1 1, अब इसका एरिया आपको दिया हुआ 35। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर 35 ही लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बताया मैंने कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आंसर जो इसका नेगेटिव भी आ सकता था ना, किसी किसी केस में नेगेटिव भी आ सकता है, उस साइन को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो जब आपको एरिया दे रखा हो तो प्लस माइनस दोनों साइन आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे एक्स ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन आ गया, फिर यहाँ से माइनस फोर लिया, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस वन, इसको छोड़ा आपने 8 प्लस में 38 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ से आएगा आपके पास माइनस 10x प्लस 12 प्लस 38 प्लस माइनस 70, माइनस 10x कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अब इसमें प्लस 70 एक बार कर दो अलग और माइनस 70 अलग कर दो, अब इस तरह से यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो x की वैल्यू यहाँ से तो माइनस 2 आ गई, और इधर से आप करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई, तो इस तरह से दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी माइनस 2 और 12। अगर आप यहाँ प्लस माइनस साइन लेके नहीं चलोगे तो क्या होगा, आप एक ही आंसर निकालोगे और एक ही आंसर वो ऑप्शन में भी दे रखा होगा उस पर टिक कर दोगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक नंबर सारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ ही जो डिटरमिनेंट में जितना भी कुछ था ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ बता दिया है, फिर भी कुछ ऐसा हो आपके दिमाग में जो स्किप हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सर ये चीज़ रहेगी उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं।
तो इस वीडियो के थ्रू पूरा आप डिटरमिनेंट रिवाइज कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू का लिंक मिलेगा, उस एमसीक्यू लिंक पे क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एमसीक्यू वीडियोस आने से पहले पहले बिल्कुल तैयार होकर बैठिए। ये आपने सारे क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट जरूर करें, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आपने ठीक करें, कहता हूँ अटैम्प्ट आपने ज़रूर करे होने चाहिए। सारे अगर ठीक हैं तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया चल रही है, थोड़े बहुत ठीक हैं तो इसका मतलब भाई बहुत अभी मेहनत की ज़रूरत है और अभी आप कर सकते हो, टाइम इतना आपके पास है, आप अच्छी तरह समझो, एक बार देखो, दो बार देखो। किसी कंसेप्ट में अगर यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि देखो ये वन शॉट है, क्लियरली बता रहा हूँ, ये वन शॉट है। वन शॉट का मतलब है कि भाई हमने एक वीडियो के अंदर सारा चैप्टर रिवाइज कर दिया। कुछ चीज़ें हो सकती है कि वो आपको पहले से क्लियर ना हो तो यहाँ पर भी वो क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बेसिक्स तो आने ज़रूरी है। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो आप में जिसमें आप परेशानी फील कर रहे हैं, उसका जो मेन वीडियो है उसको देखो, उसको समझो, स्पीड में देख लो, टाइम ज़्यादा नहीं है तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देख जरूर लो, समझ जरूर लो और क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।